Good afternoon students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will do revision of chapter number 1 question answers. Very short question answer. First one is, write the name of two aquatic plants. कोई भी टू एक्वेटिक प्लांट्स बताने, एक्वा मीन्स होता है वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स हो गया जो पानी में पाए जाते हैं प्लांट्स. डकवीड एंड पिस्तिया, ये टू ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में मिलते हैं. सेकेंड, राइट द नेम ऑफ एनी डेजर्ट प्लांट. कोई भी डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल बताना है, कैक्टस. सेकेंड, थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स आर टेरिस्टर प्लांट्स. जो टेरिस्टर प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेरिस्टर प्लांट्स. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, जो मैदानी क्षेत्र समतल भूमि में पाए जाते हैं. डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान वाली जगहों पर पाए जाते हैं. प्लांट्स ऑफ सी कोस्ट, जो समुद्र वाली जगह पर पाए जाते हैं. तो ये तो हो गए टेरिस्टर प्लांट. टेरिस्टर मीन्स होता है जो लैंड पर यानी ज़मीन पर पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स. कोई भी टू फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स बताने. फिक्स फ्लोटिंग कौन से, फ्लोट होता है ऊपर तैरना, और फिक्स मतलब अपनी ही जगह पर रहते हुए ऊपर की तरफ तैरते हुए कौन से प्लांट दिखाई देते हैं. लोटस एंड वाटर लिली. लोटस और वाटर लिली को जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अभी हम ऐसे खींचेंगे तो ये हमारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. उसकी जो रूट्स होती है ना वो अंदर की तरफ पूरी तरीके से जकड़े हुए होती है और अपनी ही जगह पर होते हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ तैरते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाई डू मैंग्रोव प्लांट्स हैव स्पेशल रूट. जो मैंग्रोव प्लांट्स होती है उसकी जो रूट्स होती है स्पेशल क्यों होती हैं. बिकॉज क्ले सॉइल डज नॉट हैव इनफ एयर फॉर द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, सो द मैंग्रोव प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स. जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना उसमें जो क्ले सॉइल जो होती है उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि उसके अंदर एयर जा सके, इसलिए जो इसकी रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है. नेक्स्ट, वट इज़ डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ हिली प्लांट्स, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स एंड डेजर्ट प्लांट. इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. हिली प्लांट्स बताएंगे सबसे पहले. दीज प्लांट्स है शार्प पॉइंटेड लीव्स. जो हिली प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं. द लीव्स आर निडल लाइक विद वैक्सी कोटिंग. जो इसकी जो लीव्स होती है वो एक सुई की तरह निडल होती है, सुई की तरह नुकीली होती है. और जो जो ये क्या होती है, वैक्सी कोटिंग यानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से चमकती हुई चिकनी सी दिखाई देती है. थर्ड, डेजर्ट प्लांट. दीज प्लांट्स हैव स्मॉल एंड स्पाइकी लीव्स. ये जो होती है छोटी होती है डेजर्ट प्लांट, स्पाइकी यानी एक तरीके से जो स्पाइक्स वगैरह होती है ना लाइन लाइन से डली होती है, इस तरीके से ये होती है. नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, आप एक बार देख लेना. गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के कोई भी टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताने कि किसी भी प्लांट को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग है. दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सर्फेस. ये जो प्लांट होते हैं ये फ्रीली तैर रहे होते हैं पानी के सर्फेस पर यानी सतह पर ऊपर की तरफ. देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉइल. और जिनकी रूट्स होती है वो फिक्स नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह तैर कर चले जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट का यूज़ क्या होता है. अंडर वाटर प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड ऑक्सीजन टू वाटर एनिमल्स एंड हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन. जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं उनको शेल्टर प्रदान करता है, फूड प्रदान करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, और ये जो पानी होता है उसको पूरी तरीके से साफ रखने का काम भी करता है. सो आज के लिए इतना ही. ये क्वेश्चन आंसर्स बता दिए मैंने आपको. हो सकता है कि जो पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए हों और इन क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स सही हैं. ये वो बच्चे करेंगे जिन्होंने अभी तक कर नहीं रखा, ये उनके लिए है, ठीक है. जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है ये मत सोचना कि पहले तो ऐसे लिखवाया था वैसे, थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ गया होगा, लेकिन बोथ क्वेश्चन आंसर्स आर सेम, कोई इसमें से रॉन्ग नहीं है, ठीक है. ओके, थैंक यू. और कल आपका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट होगा.